क्लैश ऑफ क्लैंस की दुनिया, जो भले ही अपनी अजीब सी बिल्डिंग और मैजिकल एबिलिटीज से भरी ट्रूप के लिए जानी जाती हो, पर जो चीज उसे इतना खास बनाती है वो कोई मैजिकल ट्रूप या खतरनाक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक आम सी दिखने वाली बिल्डिंग क्लैन कैसल है, जो देखने में कोई साधारण बिल्डिंग लग सकती है जिसके विलेज में ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसे बनाते ही क्लैश विलेज में एकमात्र जरिया, जिससे कि एक विलेज का चीफ दूसरे चीफ से बात कर सकता है, वो खुल जाता है और उसके साथ ही क्लैन कैसल एक बिल्डिंग बन जाती है जहां दूसरे विलेज से आई ट्रूप रह सकती हैं और जो जरूरत पड़ने पर हीरोज की ही तरह विलेज की अटैक और डिफेंस दोनों में मदद कर सकती हैं। पर क्लैन कैसल जो देखने में साधारण लगता है, इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्डर के टाउन हॉल 1 को बनाने से भी पहले की उस विलेज में थी। पर क्लैन कैसल वहां कैसे आया और ऐसा क्या हुआ था कि वो हमें टूटा हुआ मिला था? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब स्टोरी ऑफ क्लैन कैसल में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्लैश विलेज में क्लॉकवर्क किंग के देखे जाने के कुछ दिन बाद की बात है। उस दिन क्लैश विलेज में हमेशा की तरह इतना शोर नहीं था, क्योंकि ज्यादातर ट्रूप उस दिन क्लैन कैसल की मीटिंग में गई थी, जो कि क्लैश विलेज में एक नॉर्मल चीज थी। और जब सभी ट्रूप क्लैन कैसल में बातें कर रही थी, उन सबसे अलग वार्डन, जो अब भी उस लकड़ी के शरीर में फंसा था, पागल सा होता जा रहा था। वो पिछले कुछ महीनों से अपने असली शरीर में आने की कोशिश कर रहा था, पर बजाय खुद को ठीक करने के उसने बार्बेरियन किंग को भी अपनी तरह बना दिया था, जिसके कारण वो पहले से भी ज्यादा परेशान था। और हर मुमकिन कोशिश करने के बाद वो जानता था कि सिर्फ वार्डन वो ही था जो अब उसकी मदद कर सकता था। पर वार्डन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसकी मदद कैसे मांगे, क्योंकि उसने ओल्ड वार्डन की बात को नजरअंदाज किया था और टाइम में पीछे चला गया था, और वो नहीं जानता था कि वो उससे फिर से बात कर सकता है भी या नहीं। पर उसके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी में जो भी अब तक उसके और बार्बेरियन किंग के साथ हुआ था उसके बारे में लिखा और ओल्ड वार्डन को उसकी मदद करने के लिए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड वार्डन वहाँ आएगा, पर उसके वो लिखते ही ओल्ड वार्डन वहाँ था। और क्लॉकवर्क वार्डन को देखकर उसने हंसते हुए कहा कि ये तो कुछ नया है, इस बार तुम्हें विलेजर्स क्या कह रहे हैं? और इससे पहले क्लॉकवर्क वार्डन कुछ कहता, ओल्ड वार्डन ने कहा, रहने दो, मुझे मत बताओ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्लॉकवर्क वार्डन ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो इस सब से बाहर निकलने के लिए। ओल्ड वार्डन ने कहा कि तुम इस सब में फंसते ही नहीं, अगर तुमने मेरी कही बात पर ध्यान दिया होता अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लॉकवर्क वार्डन ने कहा कि एक चीज है जो तुम कर सकते हो, अगर तुम मुझे अपना थोड़ा ओरा दो तो मैं शायद इतनी ताकत को इकट्ठा कर सकता हूँ जिससे कि मैं फिर से वो टाइम में पीछे जा सकता हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं टाइम स्पेल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और वो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ओल्ड वार्डन ने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ कर भी सकता तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और ये मेरी ही गलती है कि तुम ऐसे बन गए, क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया था जब मैंने तुम्हें टाइम ट्रेवल करना सिखाया था। क्लॉकवर्क वार्डन ने कहा, क्या मतलब? ओल्ड वार्डन ने कहा, मैं जो तुम्हें अब बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। ये आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं क्लैश विलेज में नया नया आया था। उस समय चीजें बहुत आसान होती थी, क्योंकि तब मुझे टाइम स्पेल जैसी चीजों की जानकारी नहीं थी। पर जब मुझे ये मैजिकल फॉरेस्ट मिला, उसे पाकर मैं बहुत खुश था। पर इस फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ एक ही बार में जान पाना मुमकिन नहीं था, पर मैं सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसके बारे में और जानने के लिए मैंने उस फॉरेस्ट में मिलने वाले खास पत्थर और अपने मैजिक की नॉलेज से अपने लिए क्लैश विलेज की सबसे पहली बिल्डिंग बनाई, जहां पर मैं रहने के साथ साथ अपने नए स्पेल्स को टेस्ट भी करता था। और कई सालों की रिसर्च के बाद जब मैंने लगभग सारे स्पेल को इस्तेमाल करना सीख लिया, मैंने उस फॉरेस्ट में क्लैश विलेज को बनाया था। और जब मैंने बिल्डर को बनाया, मैंने उस बिल्डिंग में रहना बंद कर दिया और बिल्डर के द्वारा बनाए गए अपने नए कमरे में रहने लगा। और जैसे जैसे मैं नई चीजें जान रहा था, मैं ये देख नहीं पाया कि मेरे आसपास क्या हो रहा था, और मेरी उसी गलती ने गोब्लिन किंग को बनाया। और अब तक तुम जानते होगे कि कैसे मेरी वो गलती एक वॉर में बदल गई थी। क्लॉकवर्क वार्डन ने कहा कि इस सब का टाइम ट्रेवल से क्या लेना देना। ओल्ड वार्डन ने कहा सब कुछ, और उसे बताया कि भले ही उसने टाइम स्पेल को बनाया था, पर सिर्फ गोब्लिन किंग ही इतना ताकतवर था जो टाइम स्पेल को टाइम में पीछे जाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकता था। पर इतनी ताकत होने के बाद भी
वो टाइम प्रिजन में फंस गया क्योंकि तुम्हारी ही तरह उसे भी टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता नहीं था। क्लॉकवर्क वार्डन ने कहा कि उसे क्या पता नहीं था। वार्डन ने कहा, क्लैन कैसल का राज। कैसा राज? क्लॉकवर्क वार्डन ने पूछा। ओल्ड वार्डन ने कहा कि सभी क्लैन कैसल को एक आम बिल्डिंग समझते हैं, पर वो वही पहली बिल्डिंग है जो मैंने कई सालों पहले बनाई थी और गोब्लिन किंग से वॉर के दौरान वो सबसे जरूरी बिल्डिंग थी, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि उसने असली विलेज को इतनी जल्दी कैसे ढूंढा था। पर जब वो टाइम में पीछे गया था, उसने ना सिर्फ मुझे क्लैन कैसल की ताकत को समझने में मदद की थी, बल्कि मुझे गलती से उसे रोकने का रास्ता भी बताया था। ओल्ड वार्डन ने कहा कि क्लैन कैसल सिर्फ सभी विलेज को जोड़ता ही नहीं, बल्कि किसी टाइम मशीन की तरह काम करता है, जो मेरी रिसर्च के दौरान टेस्ट किए गए स्पेल के इस्तेमाल से ऐसा बन गया था। और वो छोटी चीजें जैसे ट्रू पोर स्पेल को अपने टाइम के टाउन हॉल से आगे वाले टाउन हॉल तक तो आसानी से अपग्रेड कर सकता है, पर जब भी कोई उसका इस्तेमाल ज्यादा बड़े टाइम में बदलाव के लिए करता है, तो वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। और ये बात गोब्लिन किंग नहीं जानता था, इसलिए जब उसने दूसरी बार टाइम में पीछे जाने की कोशिश की, उसकी एनर्जी से वो क्लैन कैसल टूट गया था। और एक और चीज जो वो नहीं जानता था, वो थी कि बिना क्लैन कैसल के कोई भी टाइम स्पेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और उसकी उस गलती के कारण मैं उसे रोक तो पाया था, पर फिर भी ऐसा करने पर एक नई टाइमलाइन बन गई थी जिसमें वार्डन ने कभी विलेज को नहीं बनाया था और सारा काम बिल्डर ने किया था। और ये कहने के बाद ओल्ड वार्डन ने कहा, और जो तुम करना चाहते हो वो भी उससे काफी मिलता जुलता है, और अगर तुम भी कुछ ऐसा करोगे तो अगली बार मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं होऊंगा। और ये कहने के बाद ओल्ड वार्डन ने कहा कि अब तुम टाइम ट्रेवल के बारे में लगभग सब जानते हो, और उससे कहा कि मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, और वहाँ से चला गया। ये सुनने पर क्लॉकवर्क वार्डन पहले से थोड़ा कम चिंतित था, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक से क्लैन कैसल की मीटिंग खत्म हो गई और सभी ट्रूप उसमें से भागते हुए बाहर आ गई। तो ये थी स्टोरी क्लैन कैसल की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे। क्लॉकवर्क क्वीन की, ब्रॉलर नानी की स्टोरी, क्लैश रॉयल से स्केलेटन ड्रैगन की स्टोरी, या फिर आप किसी और चीज की स्टोरी सुनना चाहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।